बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि आप फ़ोन मास्टर को, अगर आप फ़ोन मास्टर के ऊपर आप बहुत ज़्यादा एड्स देखने लग गए हैं, जो नई अपडेट आई है उसके बाद जो फ़ोन मास्टर बहुत ज़्यादा ब्लोटेड हो गया है, बहुत ज़्यादा उसमें एड्स जो है वो आने शुरू हो गए हैं, तो आज की वीडियो में मैं आपको इसका हल बताने जा रहा हूँ और सबसे ईजी फिक्स बताने जा रहा हूँ। अगर आप फ़ोन मास्टर के यूज़र हैं तो आप किस तरीके से उसके जो एड्स हैं, उसके जो पॉपअप्स हैं, उसके जो नोटिफिकेशन हैं, उनको रिमूव कर सकते हैं और अपने जो एक्सपीरियंस है उसको स्मूथ कर सकते हैं, उसको इफेक्टिव कर सकते हैं और ऑप्टिमाइज कर सकते हैं ज़्यादा बैटरी लाइफ के लिए और ज़्यादा अच्छी जो CPU यूजेज और रैम यूजेज उसके लिए। तो आपने इस वीडियो को एंड तक देखना है। इस वीडियो के एंड तक आप ये जान पाएंगे कि किस तरीके से ऐसी कौन सी सेटिंग कर सकते हैं या ऐसी कौन सी जो चेंजेस है वो फ़ोन मास्टर के अंदर ला सकते हैं जिसकी मदद से आपका जो फ़ोन मास्टर है वो ऐसे काम करेगा जैसे फ़ोन मास्टर जो है काम करना चाहिए। उसमें कोई एड्स वगैरह नहीं आए, कोई नोटिफिकेशन शो नहीं होंगे, कुछ ज्यादा आपको बैटरी या रैम जो है वो नहीं खाएगा उसमें। तो इसके ऊपर मैं ऑलरेडी 2-3 वीडियोस बना चुका हूँ, जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएंगे। अगर आप फोन मास्टर के बारे में मजीद जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब कर लें। चलते हैं और देख लेते हैं कि फ़ोन मास्टर के एड्स और पॉप अप और नोटिफिकेशन को किस तरीके से रिमूव किया जा सकता है। तो जैसे ही आप फोन मास्टर को लेटेस्ट वर्जन पे अपडेट करते हैं जो कि 5.3.6 है, आपको बहुत ज़्यादा पॉप अप एड्स शो होना शुरू हो जाते हैं जो कि बहुत ज़्यादा अनाइंग होते हैं। ओवरऑल जो एक्सपीरियंस है वो डाउन हो जाता है। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि आप किस तरीके से उनको ख़त्म कर सकते हैं या उनको वापस ला सकते हैं पुरानी हालत में। अगर आप फोन मास्टर को अपडेट कर लेते हैं तो उसके बाद आपके पास कोई चांस नहीं होता कि अगर आप नोटिफिकेशन वगैरह बंद भी कर देते हैं फिर भी ये ऐड जो है वो आपको शो होते रहते हैं। तो अगर हम फोन मास्टर को ओपन करें तो यहाँ पे आपको डिफरेंट पॉप अप पहली दफ़ा जब आप ओपन करते हैं तो शो करवाए जाते हैं। उसके बाद जब आप इसकी सेटिंग्स के अंदर जाते हैं तो यहाँ पे बहुत सारी सेटिंग पहले से ही टर्न्ड ऑन होती हैं। अगर आप उन सारी सेटिंग्स को ऑफ कर देते हैं अगर फोन मास्टर में जाते हैं और फिर आपको पॉप अप जो है वो शो होना शुरू हो जाते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा अनोइंग होता है वो यूज़र जो कि कॉन्स्टेंटली फोन मास्टर को यूज़ कर रहे होते हैं डिफरेंट सर्विसेज अवेल करने के लिए। सबसे पहला काम क्या आप कर सकते हैं, या तो ये कर सकते हैं कि एक तो आप अपने फोन मास्टर के सारे जो पॉप अप्स हैं उनको डिसेबल कर दें, जो कि इम्पॉसिबल काम है। मैंने हर तरीके से ट्राई किया है, कभी भी लेटेस्ट वर्जन में जो पॉप अप आते हैं उनको आप ख़त्म नहीं कर सकते। लेकिन आपके पास एक ऐसा वर्क अराउंड है जिसकी मदद से आप इन सारी चीज़ों से छुटकारा पा सकते हैं। अगर आप ये सारी चीज़ें बंद कर देते हैं फिर भी आपको जो है वो पॉप अप और नोटिफिकेशन होंगे, जो वीडियो में मैं स्क्रीनशॉट शो कर दूंगा, तो ये मुझे सारे नोटिफिकेशन सारा कुछ बंद करने के बाद भी शो हो रहे हैं। तो इसको खत्म करने का सबसे आसान तरीका फोन मास्टर की ऐप सेटिंग के अंदर। उसकी ऐप सेटिंग के अंदर जाने के लिए आपने जो फोन मास्टर का आइकन है उसके ऊपर लॉन्ग प्रेस करना है। जैसे ही आप लॉन्ग प्रेस करेंगे आई के जो बटन है उसको प्रेस कर दें। जब आप उसको प्रेस करेंगे तो आप उसकी ऐप इन्फो के अंदर चले जाएंगे। तो उसके बाद आपने क्या काम करना है, सबसे ऊपर टॉप राइट कॉर्नर में आपको अनइंस्टॉल अपडेट वाला ऑप्शन जो है वो नजर आ रहा होगा, तो आपने अनइंस्टॉल अपडेट के जो बटन है उसके ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद अगर आप इसका डाटा क्लियर कर दें तो वो भी अच्छी बात है, अगर डाटा नहीं भी क्लियर करते फिर भी आपका फोन मास्टर है वो पुराने वर्जन पे शिफ्ट हो जाएगा। पुराने वर्जन की सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें नोटिफिकेशन तो आते हैं अलबत्ता उनको आप बंद कर सकते हैं, और पॉप अप कोई भी ऐसा नहीं आता जो कि आपके यूजर एक्सपीरियंस को खराब करे। इसका सबसे बड़ा हल यही है कि अगर आप सारे एड्स को रिमूव करना चाहते हैं उसको डाउनग्रेड कर लें। फोन मास्टर यूज नहीं करते कि कोई भी इसकी जो सर्विस है उसको यूज नहीं करते, तो इसके साथ बहुत सारी सर्विसेज लिंक्ड होती हैं जैसे कि एक्साइट, जैसे कि ऐप लॉक, बहुत सारी ऐसी सर्विसेज होती हैं जो कि होती तो सिस्टम ऐप है लेकिन उनकी अवेलेबिलिटी होती है वो रिक्वायर्ड होती है अगर आपके पास फोन मास्टर हो। तो अगर आप उन चीजों को यूज नहीं करते और आप अपना फोन सिंपल यूज करते हैं, अनइंस्टॉल कर दें फोन मास्टर के बगैर भी फोन जो है वो बिल्कुल 100% सही तरीके से काम करता है। तो मैंने पर्सनली ये इस वीडियो के लिए फोन मास्टर जो है इसके अंदर रखा हुआ था, उसके अलावा मैं फोन मास्टर को यूज नहीं करता। अगर आप ही फोन मास्टर के किसी भी फीचर जैसे कि एक्साइड, ऐप लॉक या ऐप हाइडन को यूज नहीं करते तो आप इसको अनइंस्टॉल कर सकते हैं। अनइंस्टॉल करने का तरीका मैंने ऑलरेडी एक वीडियो में बताया हुआ है, उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा तो आपने वीडियो देख लेनी है। उम्मीद करता हूँ कि ये वाली वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें और मजीद ऐसी वीडियोज देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।